आपका एक बार फिर स्वागत अपने YouTube चैनल पटेल डिजिटल ट्रिक्स में। तो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा ऐप बताने वाला हूँ ना जो सिर्फ 15 ऐप के बराबर वो सिर्फ अकेले काम करता है। आपको कोई भी 15 ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है प्ले स्टोर से अलग से। अगर आप अपने मोबाइल पर 15 ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो आपका मोबाइल भी हैंग करेगा। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा ऐप बताऊंगा ना जो सिर्फ 15 ऐप के बराबर वो सिर्फ अकेले काम करता है। आप उस ऐप के अंदर के सारे फीचर्स जान लेंगे तो आप देखकर हैरान हो जाओगे, बोलोगे कि यार भाई यार पहले क्यों नहीं बताया, फालतू का ऐप अभी तक बता रहे थे। तो दोस्तों क्योंकि एक्चुअली मेरे को आज ही ये ऐप मिला है तो दोस्तों मैंने सोचा कि मैं आपको बताऊं ये एप्लीकेशन के बारे में। तो दोस्तों अगर आप वो ऐप जानना चाहते हैं ना तो मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहो। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील पटेल और आप देख रहे हो अपने यूट्यूब चैनल पटेल डिजिटल ट्रिक्स। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे चैनल में आप नए आए हैं तो ये लाल बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बगल में जो ये घंटा है तो इसको दबा लें। घंटे दबाने का मतलब क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा तो आपको मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस ऐप का नाम है एम स्टूडियो। अभी तक पूरे यूट्यूब में किसी ने भी ऐसा एप्लीकेशन आपको नहीं बताया होगा। तो दोस्तों अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं इस ऐप की लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां जाकर सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं इसको ओपन करते हैं। इसको ओपन करने के बाद हमारा ऐप का कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होता है। तो दोस्तों सबसे पहला हमारे यहाँ पे ऑडियो प्लेयर का ऑप्शन दिखता है। तो आपको प्ले स्टोर कोई भी म्यूजिक प्लेयर अलग से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, आपको इसी ऐप के अंदर मिल जाता है। तो दोस्तों दूसरा ऑप्शन है, जैसे आपको कोई सॉन्ग पसंद आ जाता है तो आप उसके रिंगटोन बनाना चाहते हैं, आप रिंगटोन बनाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरी कोई मुझे कोई कॉल करे तो वो रिंगटोन बजे तो आप यहां जाकर उस सॉन्ग को कट करके 30 सेकंड 15 सेकंड का सॉन्ग काट के अपने मोबाइल रिंगटोन पे लगा सकते हैं इस ऑप्शन की मदद से। दोस्तों ऑडियो मिक्सर, अगर आप डीजे रिमिक्स को सॉन्ग बनाना चाहते हैं, MP3 सॉन्ग को डीजे में बनाना चाहते हैं तो दोस्तों आप यहां पे ऑडियो मिक्सर पे क्लिक करके आप उसको डीजे सॉन्ग भी बना सकते हैं। ऑडियो मर्ज, चौथा ऑप्शन है ऑडियो मर्ज, आप दो म्यूजिक दो MP3 सॉन्ग को मिक्स करके आप उसको डीजे में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां पे आपको ऑडियो रिकॉर्डर को भी ऑप्शन दिया हुआ अलग से। मान लीजिए आपको कोई वीडियो सॉन्ग है, अगर आप उस सॉन्ग को ऑडियो बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं उस वीडियो सॉन्ग से MP3 सॉन्ग बना लूं तो आपको यहां पे अपनी वीडियो सेलेक्ट करना है, ऑटोमेटिक आपको वीडियो ऑडियो बना के दे देगा, हम भी MP3 सॉन्ग बना के दे देगा। आपके यहाँ पे ऑडियो कन्वर्टर का ऑप्शन दे रखा, आप यहां पे किसी भी वीडियो का ऑडियो कन्वर्टर बना सकते हैं। स्पीड चेंजर, अगर आप किसी सॉन्ग का स्पीड बढ़ाना चाहते हैं कि थोड़ा जल्दी जल्दी बजे, थोड़ा फास्ट बजे तो आपको यहाँ पे जाके उस वीडियो हो या ऑडियो हो आप यहाँ सेलेक्ट करके उसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं सॉन्ग की। ऑडियो म्यूटर, आप किसी भी सॉन्ग को यहाँ पे म्यूट कर सकते हैं। ऑडियो रिमूव, अगर आप किसी वीडियो से सॉन्ग रिमूव करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यहाँ पे मैं अपना सॉन्ग डाल दूँ वीडियो वही रहे तो आपको सिर्फ यहाँ पे ऑडियो रिमूवर में जाना है, आपका काम हो जाएगा। आपको यहाँ पे ऑडियो स्प्लिटर का ऑप्शन दे रखा। आपको दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिख जाते हैं, अगर मैं सारे फीचर्स आपको बताऊंगा दोस्तों वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। दोस्तों अगर आप इस ऐप को जानना चाहते हैं, आप इस ऐप के अंदर आपको 15 फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, आपको कोई भी प्ले स्टोर से अलग से एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। तो ये दोस्तों आपको बहुत ज्यादा ऐप पसंद आएगा, कसम से कहते हैं बहुत ज्यादा पसंद आएगा। आप जब इस ऐप के अंदर के फीचर्स यूज लोगे ना तो आप बोलेगे यार भाई पहले बता देते ना तो आज हमारी मोबाइल की जिंदगी बदल गई होती। दोस्तों यार प्लीज यार कमेंट करके जरूर बताना, अगर आप ये ऐप आपको पसंद आता ना तो कमेंट में नाइस स्टूडियो लिखना यार, प्लीज यार कमेंट में नाइस स्टूडियो जरूर लिखो यार, प्लीज बता दो यार। थैंक यू दोस्तों हमारी इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद आपका।